पूरे देश दे विच कांग्रेस पार्टी दे वलों अज जिहड़ा सत्याग्रह शुरू किया गया कि राहुल गांधी नाल और साडी कांग्रेस पार्टी ने जिहड़ा धक्का हो रहा है। असी भी कांग्रेस पार्टी ने सब सा राज किया, कदे भी बदले की भावना की राजनीति नहीं की, हमेशा लोग चुनते हैं घुट बलमण वास्ते चुनते हैं, सूबे की पिंड की देश की तरक्की वास्ते लोग चुनते हैं। लेकिन अभी जो हालात देश के चल रहे हैं, जिहड़ियां सत्ताधारी पार्टियां ने वो दूजी पार्टी ने विपक्षी पार्टी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का की कसूर है? राहुल गांधी एक साढ़े देश का कांग्रेस पार्टी का एक सरमाया है और गांधी परिवार का जिहड़ा साढ़े देश के प्रति देश को आजाद कराने वास्ते गांधी परिवार ने एक बलिदान दिता। अज तरह तरह दूसरे तोहमत लाई जा रही हैं, ये बहुत निंदनीय गल है। राहुल गांधी की जी पार्लीमेंट एम पी की जी सदस्यता है वो रद्द की गई है, ये बहुत ही माड़ी गल है। ये साड़ी कांग्रेस पार्टी सारी जी एकजुट हो गए इसका विरोध करांगे और जितों तक भी सानू जाना पेगा असं सारे एकजुट इकट्ठे हो के सारे देश के आवाज़ को बुलंद करांगे और धक्केशाही जी है बिल्कुल सहन नहीं की जाएगी। इस करके मैं अपनी पार्टी के जिन्हें भी कार्यकर्ता ने जिन्हें भी कांग्रेस वर्कर ने उन्होंने सारे को अपील करता भी सारे इकट्ठे हो गए जो हाईकमान का आदेश आंदा है उसके उत्ते पूरे उतरो खरे उतरो और अपने देश को बचाना है कि सानू सारे इकमुट इकट्ठे होने पैना। बहुत बहुत सारे वर्कर का थैंक्स है। सत्याग्रह अंदोलन किया जा रहा किस विषय लैके की है सारा मामला? अज पूरे पंजाब जिथे जिथे साढ़े कांग्रेसी वर्करस और लीडर बैठे है ऐसी सारे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटरस के इकट्ठे होकर एक सत्याग्रह के रूप के अपना रोस प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिस तरह तुम सारे पता कि कुछ दिन पहले साढ़े जोड़े कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी उन्होंने कोर्ट ने कोई सज़ा सुनाई सी 2 साल पर जिस जल्दबाजी के मैंबरशिप पार्लीमेंट की खत्म की गई है वो निंदनीय है क्योंकि जितों तक मेरी नॉलेज के आया कि 572 MP है साढ़े पार्लीमेंट के वो तकरीबन 140 के उपर केस रजिस्टर्ड है और कई सज़ा हो चुकी है वो पर स्टिल मैंबर है पार्लीमेंट बट राहुल जी ने सज़ा अनाउंस होने तो बाद कोर्ट ने जी की है एकदम उन्होंने पार्लीमेंट की मैंबरशिप खत्म करती गई। ये सच्चाई की आवाज़ को दबाने का एक प्रयास है क्योंकि राहुल जी ने जदों भारत जोड़ो यात्रा की थी तो उन्होंने कहा कि ना डरांगा ना दबांगा सच की आवाज़ में चुकांगा पर वो सच की आवाज़ दबाने उन्हों की पार्लीमेंट की मैंबरशिप खत्म की गई है। ऐसी सारे कांग्रेसी लीडर और वर्कर इकट्ठे होकर वो पुरजोर निखेधी करते हैं और अपने लीडर के नाल जो उन्होंने कोई औकड़ आएगी वो सारे मिल के वंडांगे और देश के उन्होंने जी सच्चाई की आवाज़ है वह दबन नहीं देंगे। सच्चाई लिए धरना लगाया है अज क्योंकि आपने सब ने देखा कि राहुल जी जोड़े है उन्होंने बहुत ही धक्का होया कि ना कि जरूर उन्होंने टाइम देना चाहिए सीगा जो भी वर्डिक सुनाया है तुम देखिए जज उन्होंने एकदम चेंज किया और वर्डिक जोड़ा सुनाया बहुत ही गलत है क्योंकि जरूरत है कि सच्चाई लिए आप खड़े हुई है और धक्काशाही जी हो रही है नहीं होनी चाहिए। अब जो लीडर धक्का हो रहा है तो जरूर नहीं ज़्यादा आम इंसान नाल भी धक्का जरूर होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल आप देख सकते हैं सारी अज पार्टी जड़ियाँ अब कट्ठी हुई हैं अब इतने कांग्रेस के वर्कर्स भी बहुत अलग अलग पार्टी से भी बैठे क्योंकि कितने ना कितने वो भी फील करते कि गलत होया है और मैं लगता इस तरह का नहीं होना चाहिए ताकि अज इतने असं ता ही कट्ठे हुए कि जी धक्काशाही नहीं होनी चाहिए। ये धरने का की आ पार्टी दे जो PTC के प्रधान ने जिस तरह उन्होंने आ जी कमेटी बना हदायत आई हैं उस संबंध में अभी सत्याग्रह कर रहे हैं। इसका मेन कारण की है भी जोड़े मोदी सरकार है जी डेमोक्रेसी का घाण कर रही है जो विरोधी पार्टी के आगू आ जो लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं उन्होंने आवाज़ को दबाने लिए गलत हठ कंडे बना रही है जिमें कि हम तुम थोड़ा सारे पता भी गुजरात की एक अदालत ने राहुल गांधी ने सज़ा दी 2 साल की उन्होंने किमें मैनोपुलेट किया ने सारे केस में 2019 का केस है। ये पहली बार होगा भी जदों कोई पटीशन करता शिकायत करता अपनी दरखास्त से हाई कोर्ट तो स्टे लेके आया उन्होंने रुकवाने वास्ते वह दसो वह कारण यह भी उन्होंने लगता सी केस मेरी फेवर से नहीं जाऊगा तो उन्हें उसकी स्टे ले ली। उस तो बाद जदों राहुल जी ने अडानिया के खिलाफ अवानिया के खिलाफ पार्लीमेंट के देश भर के खिलाफ मुहिम बिढ़ी
तो उन्होंने सारे ने दबाने आवाज़ को बंद करने ला जे दूजे लोग ने वर्कर ने उन्होंने हौसले डाउन करने भी एक वो पटीशन एकदम वापस ली एक महीने के बच्चे बच्चे उन्होंने सारी जी एप्लीकेशन निपटारा करके दो साल की सजा सुना दी। हालांकि उन्होंने एडा वा अपराध नहीं सी, उन्होंने किसी विशेष फिरके गलत नहीं सी कहा। दो चार मोदी जिमें नीरव मोदी वगैरह जो देश का सरमाया लैके बाहर भजे थे उन्होंने ना लैके कहा कि भी ये सारे मोदी चोर ने, उन्होंने उन्होंने जो गलत तरीके पेश करके भी सारे मोदियों बारे गलत बोल रहे भी ये कंप्लेंट की है। दूसरी गल जी वो जूरी डायरेक्शन है वो गुजरात की बनती नहीं, जे उन्होंने कोई स्पीच की तो कर्नाटका के बच्चे की है वो एप्लीकेशन उत्थे फाइल हो सकती उत्थे कंप्लेंट फाइल हो सकती थी जी गुजरात कोर्ट का जूरी डायरेक्शन नहीं बनती। तो जो मैक्स है मोदी साहब ने जो सारा सिस्टम है न्यायपालिका भी अपने मतलब हाथों से दबा कर अपने हाथों से ले ली है तो ये डेमोक्रेसी वास्ते इतने लोगों वास्ते मतलब बहुत ही भैड़ा वर्तारा है। तो असं यहाँ विरोध करते हैं कि लोगों इंसाफ दवाने लोगों दबाव मुक्त करने अज अं सत्याग्रह कर रहे शांति न कर रहे भी अगे जिम्मे सू पार्टी का ये 10 to 5 बजे तक अं इतने बैठे हैं अगे भी जिम्मे कोई पार्टी सू अगे होर हदायत आनगियां असी लोगों के हक सच की लड़ाई सड़कों पर आके भी लड़ने तैयार बैठे। अज साडा जी ये तरना नहीं हैगा सत्याग्रह हैगा। कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान दे विच अज ये प्रोग्राम नू ऑर्गेनाइज करती पई है ते साडा जिहड़ा इक्की अज जिहड़ी ये सोच हैगी है सत्याग्रह पिछे ये हैगी है कि अज दे दिन देश नू लोड़ है देश नू बचाण दी। पहली बार होया भारत देश दे इतिहास दे विच असी कि 70 साल या 75 साल विच कि सानू अज देश दी सरकार तो अपने आप नू बचाना है। वो क्यों बचाना है? मौजूदा सरकार ने ऐसा कोई काम छड्या नहीं मैं कहांगा जिदे राही जाहिर हुंदा होवे कि वो तानाशाह सरकार हैगी है। उन्होंने हर तरह की हदा नू पार किया है भावे समाजिक होन राजनीतिक होन। उन्होंने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की है कि कोई भी उन्होंने खिलाफ बोलेगा उन्होंने या तो वो जेल च पाएंगे या कोई इल्जाम ला के उन्होंने ऐसी सज़ा देने की कोशिश करेंगे जिदे राही शायद वो दोबारा उन्होंने खिलाफ कदे बोल ना सके। यह लड़ाई अज साडी आपदी नहीं देश नू बचाण दी है आने वाली पीढ़ी नू बचाण दी है। असी आजादी इस करके नहीं लिती सी साडे शहीदां ने शहीदी शहादत दे के साडे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान दे के ताकि सानू अज दिन ऐसा माहौल देखना पवे जिदे राही असी सरकार के खिलाफ लड़ीए असी अपनी आजादी की मंग करिए। जो ये सरकार इलेक्शन जीत के आई सी इन्हां दे वायदे बहुत वड्डे वड्डे सीगे असी उन्हां नू याद कराना चाहते हैं कि लोगों नू तुहाडी लोड़ है लोकी तंग ने बेरोजगार ने महंगाई वधी हुई है तुसी उन्हां पासे ध्यान दो तुसी आपदे वड्डे वड्डे अमीर दोस्तों का समर्थन करना बंद करो देश का पैसा लुट के जड़ा वो खा के बाहर लेके जा चुके ने वो बस करो। देश के लोगों नू न्याय चाहिए आजादी चाहिए है यदी मंग करते पे हैं तो लोगों दसना चाहते हैं कि किस हिसाब के नाल किस बेशर्मी के नाल उन्होंने राहुल गांधी जी के उपर एक केस ठोकिया किमें उन्होंने सारे कानून नू मैं कहांगा बाईपास करते हुए वायोलेट करते हुए असी कानून व्यवस्था की कोर्ट की इज्जत करते हैं बट इस जजमेंट का समर्थन नहीं करते। तुसी देखते हो यह ऑफेंस होया कर्नाटका पाया केस उन्होंने गुजरात के विच ते डिफामेशन कौन पा सकता है? डेफामेशन वो पा सकता है जिदा ना लिता गया होवे या जिदे खिलाफ बोलिया गया होवे वो कोई बंदा अगे नहीं आया सिर्फ एक राजनीतिक साजिश हैगी है। राहुल गांधी जी अज के दिन कल्ले कह जे नेता ने जिहड़े हिंदुस्तान दे विच मोदी सरकार नू सवाल चुकदे ने उन्हां दे अगे सवाल खड़े करदे ने मोदी जी उन्हां दे सवाल दे जवाब नहीं दे सकदे उन्हां नू होर कुछ समझ नहीं आया। तुसी टाइमिंग देखो जनवरी दे महीने विच राहुल गांधी जी ने सवाल चुके उन्हां ने फरवरी विच केस नू फास्ट ट्रैक करा के एक महीने विच जजमेंट दवाती। जजमेंट भी किवें दवाई? 2 साल की सज़ा कि बंदे ने कोई खून किया है कि उन्हें कोई ऐसा वड्डा गैर कानूनी काम किया कि तुसी उन्हें लोक सभा चो कढ़ दो? यह सिर्फ अपोजिशन की आवाज़ में दबाना चाहते हैं। मेरी अज इस प्लेटफॉर्म तो सारे नाल यही एक गुजारिश हैगी है कि सारे जने इकट्ठे होइए देश नू बचाइए लोकतंत्र नू बचाइए। हिंदुस्तान दे विच सत्याग्रह किया जा रहा कि जिहड़ा पिछले दिड़ी सेंटर सरकार वालों जमहूरीयत का कतल किया गया कॉन्स्टिट्यूशन दियां धज्जियां उडाईयां गईयां या डेमोक्रेसी का कतल किया गया उहदे संबंध अज जिहड़ा ये सत्याग्रह किया जा रहा। जिवें पिछले दिनी कोर्ट ने जिहड़ा अपना फैसला सुनाया और तुरंत विद इन 24 आवर सेंटर ने राहुल गांधी जी की मैंबर पार्लीमेंट की सदस्यता जिहड़ी आ खत्म कर दित्ती। इत्थों ये पता लगता कि वह बड़ा पहला ही प्लैन सीगा उन्हां दा कि ये जिहड़ी इन्हां दी मैंबरशिप रद्द करनी है
क्योंकि राहुल गांधी जी ने पिछले समय के जी भारत जोड़ो यात्रा कढ़ी उस तो भी सेंटर सरकार बखलाई हुई है और जिस तरह उन्होंने पार्लियामेंट के आवाज़ चक्की वो और जिहड़े सवाल उन्होंने सरकार दे अगे रखे उहदा किसी गल का भी उन्होंने जवाब नहीं दिता और सब तो अहम गल जी मोदी साहब नू जी पिंच की वो ये है कि जो राहुल गांधी जी ने गल कही जिहड़ा बयान दिता कि अडानी ही सरकार है तो सरकार ही अडानी है और वो चीज़ सब तो क्योंकि वह सब तो मित्र आ मोदी साहब का सरकार का मित्र आ जिन्हों पूरा हिंदुस्तान की वागडोर इस वक्त दिती हुई है जो डुबदा तो सारा हिंदुस्तान डुबदा जिस तरह एल आई सी ते होर अदारियां नू जबरदस्ती उन्हां दे जिहड़े पैसे उहदे विच लगाए जा रहे एक वैल प्लैन तरीके दे नाल और इन्हां चीज़ां नू जागर किया जा रहा लगातार राहुल गांधी जी वालों और उन्हां दी आवाज़ दबाउण दी खातर जिहड़ा सेंटर ने जिहड़ा मंदभागा फैसला जिहड़ा अपना नादरशाही फरमान दिता तो इस तरह जे मुख ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस की आवाज़ दबाउणी चाहुंदे ने तां जो क्योंकि 24 दीआं इलैक्शनां आ रहीआं ने लोक अवेयर हो रहे आ और बड़ी बुरी तरह इन्हों का जिहड़ा लोगों के सामने इनका चेहरा नंगा होया जिस तरह महंगाई आ जिस तरह इन्होंने जिहड़े रौला पाउंदे सी कि 70 साल कांग्रेस ने जी पंजाब नूं आ करता हिंदुस्तान नूं लुट लिया और मैं ये गल कहना चाहुंदा कि ये वो कांग्रेस पार्टी है जिन्हें 70 साल हिंदुस्तान दी एयरलाइनस बचा के रखिया रेलवेज बचा के रखिया एल आई सी बचा के रखी BSNL बचा के रखी सारे ही सरकारी अदारे जिन्हों तो असी माण नाल कहिंदे सी कि साडी सरकार दा एयरपोर्ट आ साडे सरकार दीआं ट्रेनां ने साडे जिहड़े सरकारी अदारे ने LIC BSNL अज उह सारे अदारे जिहड़े वेचे जा रहे आ सरकार वल्लों जिन्हां ते अडानी लिखिआ जा रहा ट्रेनां ते अडानी एयरपोर्ट ते अडानी अज इह मैं इहनां नूं पुछणा चाहुंदा सरकार नूं सेंटर नूं कि जिहड़ियां चीज़ां वेच रहे हो किन्ने बणाईआं सीआं उह कांग्रेस पार्टी ने बणाईआं सी और कांग्रेस पार्टी ने 70 साल संभाल के रखीआं सी इह पाकिस्तान वालिआं ने नहीं बणाईआं जिहड़ियां तुसीं वेच रहे हो अज तुहानू हर हिंदुस्तान दा इन्हां नू बच्चा एक सवाल करदा है कि जिहड़े साडा हिंदुस्तान दा सरमाया तुहाडे नू वेचिया जा रहा लगातार जिस तरह तुसीं हिंदुस्तान नू दिन ब दिन लोकां नू पेट नू लत्त मार रहे हो महंगाई वधा रहे हो उहदा कारण लोग पुछणा चाहुंदे आ ते जिस दी बड़ी बुलंद आवाज़ दे विच राहुल गांधी जी ने अपनी आवाज़ चक्की आ और उहनां दी आवाज़ दबाउण वास्ते इह जिहड़ा उहनां ने कीता पर मैं इहदे च दूजिया पार्टिया के भी लीडर साहबाना ने इस गल का विरोध किया अपना जताया हर पार्टी ने पार्टीबाजी तो उपर उठ के क्योंकि ये अज राहुल गांधी नाल होया कल नूं किसे पार्टी के लीडर नाल भी हो सकता कि हुण तो बाकी जिहड़ियां पार्टियां ने वह भी रौला पा रही ने कि जो होया गलत होया हर पार्टी अपना आपका बयान दे रही है कि यह बिल्कुल गलत गल है जो हो रही है यदा मतलब फिर डेमोक्रेसी तो रही नहीं तुसीं अपनी गल ही नहीं रख सकते जो जिहड़ा बोलेगा उन्होंने ये ठोकणगे तो ये हिंदुस्तान की जिहड़ी हैगी है कॉन्स्टिट्यूशन उहदे च ते कई किसी नूं भी राइट नहीं दिता किसी की आवाज़ दबाउण दा सो मैं समझदा कि ये तो बच्चे बच्चे नूं पता कि जो इस वक्त हिंदुस्तान च चल रहा अज असीं पूरे भारत दे विच जिहड़ा सत्याग्रह कर रही है कांग्रेस पार्टी क्योंकि साडे सीनियर लीडर राहुल गांधी जी की जिहड़ी लोक सभा की सदस्यता उहनूं रद्द किया गया क्योंकि एक कोर्ट का जिहड़ा फैसला सीगा एक छोटे जिहे केस दे विच तां विद इन मैं लगता 15 घंटिया के बच्चे जी उन्हों की सदस्यता रद्द की गई है एक तरह का डेमोक्रेसी का धान कर गया एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहने आप अपनी आवाज़ का आवाज़ न दबण जोड़ा विरोधी धिर पहला तो जंडर एजेंसी काम कर रही सगिया उन्होंने राही लोग जोड़े विरोधी लीडर्स ने उन्होंने दबण की कोशिश की गई तो हूँ तुम देख सकते हो कि किस तरीके जोड़ा साढ़े लीडर से इन्होंने कार्रवाई की आ मैं थोड़ा एक ये खास जी गल दसनी चाहना कि तकरीबन 150 के करीब लोग सभा जो नुमाइंदे चुने हुए ने उन्होंने बड़े हीनियस क्राइम्स ने उन्होंने उपर तो उन्होंने उपर अज तक कदे इस पार्टी ने कोई भी यही जी कोई एक्शन नहीं लिया बट इन्होंने एक लोगों की आवाज़ जी बुलंद करने की कोशिश करी क्योंकि इन्होंने अडानी और गल करी सी भी वो जोड़े बंदे ने वो सारे जोड़े लोगों का पैसा लैके जा रहे हैं सो उसकी जी सज़ा एक तरह की जी साड़ी पार्टी के लीडर इन्होंने दिती है तो उन्होंने कल बिल्कुल खुल के कहा कि असी कदे भी इस चीज़ तो ना डरे हाँ तो ना डरीए अज असी जो सत्याग्रह कर रहे हैं महात्मा गांधी तो साढ़े अंबेडकर साहब न जरा समर्पित यह चीज़ तो साढ़ा कोई ये किसी को रोकण का धरना नहीं है असं आराम शांतमई तरीके बैठ के जोड़ा एक आपका विरोध आ दर्ज करवा रहे हैं तो डे बाई डे आने वाले दिनों ये जोड़ा संघर्ष है ये होर तरीके भी तेज़ होगा क्योंकि जे पंजाब की गल करिए हिंदुस्तान की गल करिए सरकार ने जिहड़ियां विरोधी धिर की आवाज़ दब के
सिर्फ आपके तानाशाही फैसले सुना की जी गल कर रही ने। तो मैं लगता कि यह इस करके जो नौजवान आ राजनीति तो परा होने की कोशिश कर रहा। सो ये बहुत ही चंगी गल नहीं साढ़े भविख वास्ते। ये जरूर बाकी पार्टियां सोचना चाहिए भी अजे फैसले ने जोड़े वो साढ़े देश के दे भविख लिए सही ने जा गलत ने। मेरा नाम रोकी बंसल ब्लाक प्रधान कांग्रेस कमेटी संगरूर तो। ये साढ़े श्री राहुल गांधी मैंबर पार्लियामेंट जो कि परसों जिन्होंने मैंबरशिप तो रद्द किया गया है जो कि डेमोक्रेसी लिए बड़ा काला दिन सी उन्होंने लैके अज असी पूरे पंजाब पूरे हिंदुस्तान के एक सत्याग्रह नाँ का एक अंदोलन शुरू किया जिसे असी एक थान पर जिला वाइज बह के अंदोलन करना है। ये बहुत मंदभागा है भी एक लोकतंत्र हिंदुस्तान की वर्ल्ड की सब तो वड्डी डेमोक्रेसी जिहड़ी कि देश मन्नया जांदा हिंदुस्तान उहदे विच एड्डा बड़ा घाण हो रहा है भी किसी बोलण की अनुमति नहीं दी गई जो कि लोगों वालों जताया गया नुमाइंदा पार्लियामेंट में भेजा गया जिन्हों बोलण वास्ते ही रोकया गया तो उहदी मान्यता रद्द की गई है। बहुत बड़ा देश लई ते लोकतंत्र लई घाण है। इस धरने लिए असीं लोगों को ही सुनेहा लाना चाहते हैं भी वध तो वध साडे नाल जुड़ो ते इह मुहिम नूं उपर तक पहुँचाओ ताकि सुप्रीम कोर्ट तक यह गल पहुँच जाए भी जो भी हो रहा वो गलत हो रहा है।